हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डिया हियर। कैसे हैं आप सब? कैसा लग रहा है ये मेरा लुक्स? दिस इज दुर्गा पूजा स्पेशल सप्तमी लुक्स और पूरा ऑक्सीडाइज पे मैंने इसे क्रिएट किया है विद अ कॉटन, नॉट कॉटन, ताज साड़ी। एंड दैट्स द फेमस साड़ी ऑफ बंगाल। एंड दिस इज अ टोटली बंगाली ऑक्सीडाइज्ड लुक फॉर बैचलर गर्ल्स ऑल्सो एंड फॉर मैरिड गर्ल्स ऑल्सो। So I hope you will like this makeup, and this is very, very easily achieved makeup. As you know that I don't like taking so much time for makeup, so easily ekdam budget mein products ke saath and a long lasting makeup I've tried to create today, and I am loving this looks, and I hope aapko bhi pasand aa raha hai ye looks aur bahut different dikh rahi hu, pura oxidized wala looks hai. So stay tuned for this series. Ye saptami ashtami navami dashami mein 4 days ka special makeup looks को देने वाली हूँ। तो स्टार्टेड विद सप्तमी एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको ऐसे और अच्छे अच्छे इजी मेकअप वीडियोस देखने हैं तो। ओके, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे मेकअप आई के साथ स्टार्ट करूँगी। मेरा जो फाउंडेशन है वो इज कंसीलर प्लस फाउंडेशन। सो मैं पहले अपने आँखों का मेकअप कर लूँगी। ओके, इससे पहले मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है, मॉइस्चराइज कर लिया है, टोनिंग कर लिया है, एंड देन आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग मेकअप। प्राइमर भी कर लिया है क्योंकि पूजा के टाइम यू शुड हैव अ लॉन्ग लास्टिंग मेकअप, तो प्राइमिंग ऑफ योर फेस इज मस्ट। वो सब करने के बाद ही मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है, मतलब आई के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। आज का जो आई मेकअप आपने देखा है वो ब्लू कलर में है, एंड आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग सम जिंग, यू नो, ऑरेंज वगैरह तो हमेशा मैचिंग रहता ही है, लेकिन टू स्टैंड आउट द मेकअप मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया है। तो मैं एक हल्का पीच कलर लेके उस ट्रांजिशन कलर के हिसाब से यूज़ कर रही हूँ, एंड देन आई एम टेकिंग दिस ब्लू कलर शेड एंड अप्लाइंग ऑन टू माई आई लिड, जस्ट टू द आई लिड विथ माई फिंगर्स, क्योंकि आपके फिंगर टिप जो होते हैं ना उसमें एक वार्म्थ रहता है, उसे बहुत अच्छा ग्लाइड करता है। तो मैं अपने फिंगर्स के साथ कंफर्टेबल हूँ, इसीलिए मैंने फिंगर के साथ अप्लाई किया है। अगर आप ब्रश के साथ करना चाहते हो देन यू कैन डू इट। नेक्स्ट मैं इस दोनों को ट्रांजिशन कलर एंड दिस आई शेडो आई एम गोना ब्लेंड इट विथ दिस ब्रश, फ्लफी ब्रश, ताकि कोई भी हार्श एंड्स ना रहे। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस ब्लू आई लाइनर एंड क्रिएटिंग अ वेरी स्मॉल विंग्ड आई, तो सिंपल आईलाइनर, एंड देन आई विल बी अप्लाइंग वेट एंड वाइल्ड काजल ऑन टू माय लोअर वाटर लाइन। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द आईब्राउ। क्योंकि मेरा आईब्राउ इज ऑलरेडी थिक, सो आई डोंट मेक इट टू मच ड्रामेटिक, एंड ज़्यादा मैं आईब्रो नहीं पेंट करती हूँ। तो जस्ट यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पेंसिल पहले थोड़ा सा कॉम्प कर ले रही हूँ, एंड देन थोड़ा सा आई विल बी अप्लाइंग जस्ट यू नो टू बैलेंस इट आउट फ्रंट वाला आईब्रो जो है, दैट्स इट। आई डोंट लाइक ड्रामेटिक आईब्राउज गर्ल्स, तो आई रियली स्किप इट। मुझे लगता है कि पूरा मेकअप को ना एकदम बहुत ज़्यादा लाउड कर देता है आईब्राउज। आईब्राउ अगर आप नेचुरल लगते हो एंड इट्स थिक, इफ यू आर हैप्पी विद द थिकनेस ऑफ योर आईब्राउज, देन जस्ट डोंट पेंट योर आईब्राउज गर्ल्स। मैं नहीं करती हूँ। ओके, नाउ टाइम फॉर द फेस। आई मेकअप इज डन। तो फाउंडेशन लेके मैं अच्छी तरह से डॉटेड वे में अपने पूरे चेहरे पर लगा रही हूँ, एंड देन यूजिंग दिस ब्रश आई विल बी जस्ट यू नो ब्लेंडिंग एवरीथिंग वेरी नाइसली। ब्लेंडिंग इज मस्ट। अच्छा, माई स्किन इज टोटली हाइड्रेटेड, दैट्स वाई यू कैन सी कि कितनी अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जा रहा है पूरे चेहरे पे। गर्ल, मेक योर स्किन हाइड्रेटेड बिफोर यू अप्लाई मेकअप। दिस इज द की मेथड, मैंने खुद देखा है। जिस दिन मैं जल्दबाजी में मेकअप करके करती हूँ ना, मतलब हॉरिबल हो जाता है वो मेकअप गर्ल्स। तो मैंने ये कंसीलर नहीं क्या हाँ कंसीलर लेके काउंटर लेके जस्ट टू कट माई चिक्स मैंने इसे अप्लाई किया है इस तरह से, एंड पूजा टाइम है तो फोटोज विल कम गुड, दैट्स वाई। अदरवाइज आई डोंट यूज दिस स्टेप मच। तो थोड़ा सा राउंड चेहरा है मेरा, उसको मैं थोड़ा पम्प डाउन करने के लिए आई हैव अप्लाइड, एंड देन आई एम अप्लाइंग दिस कॉम्पैक्ट पाउडर ताकि हमारा जो बेस है मेकअप का वो लॉक हो जाए। एंड माई फेवरेट थिंग, ब्लशी ब्लशी ब्लश, आई जस्ट लव इट। अगर आपको ब्लश पसंद नहीं है यू कैन जस्ट स्किप द स्टेप, बट आई लव इट। हाईलाइटर इज माई फेवरेट, सो ब्लश एंड हाईलाइटर अप्लाइड। With this highlighter brush, I'm applying onto my, you know, higher portion of my faces to make it a bit shiny. Now it's time for my eyelashes. Maybelline ka this eye mascara leke, I'm applying it nicely.
एंड आई डोंट वेयर फॉल्सीज ऑल्सो इफ यू कैन सी बिकॉज आई फील वेरी एज आई सेड ड्रामेटिक लगता है यार बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द मेक मतलब योर मैरिज है कुछ है स्पेशल ओकेजन है यू आर वेयरिंग इट्स ओके बट आई डोंट लाइक फॉल्स लैशेज गर्ल्स वेरी नेचुरली मस्कारा अच्छा से लगा लो दैट्स ऑल ओके ऑल ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एंड द साड़ी एंड ब्लाउज एवरीथिंग इज़ फ्रॉम माई बुटीक रियाज शिलाई घर बुटीक एंड इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सो यू कैन चेक आउट मोर स्टोरीज सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू स्टे मोर कनेक्टेड नाउ आई एम यूजिंग दिस नायका का हल्का सा लिपस्टिक दिस इज़ अ वेरी पीची एंड वेरी हल्का शेड आई डोंट नो व्हाई कैमरा में बहुत थोड़ा सा डार्क दिख रहा है लेकिन इट्स नेचुरली इट्स वेरी लाइट सो क्योंकि आई मेकअप लाउड है सो आई हैव केप्ट माई लिप्स वेरी सॉफ्ट एंड दैट्स इट वी आर डन विद द मेकअप खुले रखे हैं बाल एंड विद द बिंदी टोटली कम्प्लीटिंग द बंगाली लुक्स एंड यू कैन सी दिस मेकअप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा है एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल रियली मीन्स अ लॉट टू मी एंड आगे भी और अच्छे अच्छे मेकअप वीडियोज़ आ रहे हैं ऐसे ही इजी सिंपल सिंपल सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू गाइज आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड लव यू ऑल बाय टेक केयर गॉड ब्लेस ईच ऑफ यू ऑल आपके सारी जो भी इच्छाएं मन के वो पूरी हो बाय टेक केयर गॉड ब्लेस